हेलो दोस्तों, शिखा की रसोई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे हम सभी का फेवरेट स्पंजी रसगुल्ले, जिसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्पंजी रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध, इसकी जगह आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम चीनी, 2 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच केवड़ा जल, जिसको गुलाब जल भी बोलते हैं। तो चलिए स्पंजी रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे, उसको लगातार चलाते हुए बॉयल करेंगे। इसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। दूध बॉयल होने लगा है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। 1 मिनट बाद जो नींबू का रस हमने लिया था उसमें डालेंगे पानी। 2 चम्मच नींबू का रस है, 2 चम्मच इसमें पानी मिला लेंगे। नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हुए इस तरीके से चलाते जाएंगे। हमने तुरंत बॉयल किया हुआ दूध में इसलिए नींबू का रस नहीं डाला था, नहीं तो रसगुल्ले हमारे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। आप कभी भी रसगुल्ले बनाइए, बनाते समय दूध को जब बॉयल हो जाए तो 1 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें नींबू का रस डाल के उसका छेना बनाइए। ये देखिए छेना बनके रेडी हो गया। अब हम एक मार्बल के कपड़े से इसको छान लेंगे। छन्नी पे एक मार्बल का कपड़ा बिछा लिया है, अब हम इसको छान लेंगे इस तरीके से। बहुत संभाल के छानेंगे इसको। इसको छानने के बाद अब हम नॉर्मल वाटर से धुल लेंगे ताकि जो नींबू का इसमें स्वाद है वो निकल जाए, उसका खटासपन। इस तरीके से के बाद हम इसको इस तरीके से अपने हाथों से दबा के जो बाकी का पानी है उसको निकाल देंगे। इसको हाथों से दबा के मैंने सारा पानी निकाल लिया है, इसको हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, बस हाथों से दबा के पानी निकाल के इस्तेमाल करना है। अब हम इसको अपने हाथ से हल्के हाथ से करेंगे, बहुत तेज से ऐसे दबाएंगे नहीं, हल्के हाथ से ऐसे दबाते हुए इसको सॉफ्ट करेंगे, एक डो रेडी करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक इसको हम हाथों से ऐसे रगड़ते हुए डो रेडी कर लेते हैं इसका। इसको बिल्कुल चिकना करना है हमें। बिल्कुल चिकना डो बन के रेडी है, इसको बनाने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम इसका रसगुल्ले का शेप देंगे। ये देखिए, आप छोटा या बड़ा अपने पसंद से कर सकते हैं। जितना बड़ा हम बनाएंगे उसका डबल ये फूल के हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। बॉल्स बन के रेडी है, अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले हम जिस कटोरी से चीनी लिए थे उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी लेंगे एक बर्तन में, और उसी में डालेंगे चीनी। याद रहे, जिस कटोरी से हमने चीनी लिया है उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी रहेगा। गैस को ऑन करेंगे, इसको चलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ तब तक इसको पकाना है जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए और पानी बॉयल होने लगे इसका। तो हमें चाशनी बॉयल होने तक बस वेट करना है और इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। ये देखिए चाशनी बॉयल होने लगी है, फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। एक एक करके हम बॉल्स को डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालने पे चाशनी ठंडी हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके डालेंगे हम। हमें चाशनी बिल्कुल ऐसे ही हाई फ्लेम पे एकदम बॉयल होते हुए चाहिए। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ढक देंगे और ढक के 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए रसगुल्ले फूल के डबल हो गए हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे।
मीडियम फ्लेम पे इसको हम 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब हम ढकेंगे नहीं इसको। आप भी छोटी छोटी हर ट्रिक को ध्यान देते हुए अगर बनाएंगी तो वो जरूर फूलेंगे और बहुत ही स्पंजी होंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा जल। केवड़ा जल से इसमें फ्लेवर अच्छे आते हैं, आप इसकी जगह छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 मिनट तक हम इसको और मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे बिना ढके। 2 मिनट बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे। रसगुल्ले बनके रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही स्पंजी बने हैं और इसको बनाने में सब 15 मिनट लगता है गैस पे। गैस पे हम 15 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। 8 मिनट हाई फ्लेम पे और 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया गया है। तो अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। स्पंजी रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा, इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो आप इसको बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।